ओम शांति। हम सभी इस सृष्टि की महान आत्माएं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावत्स और निराकार शिव की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान, हमें अपने अंदर बाप समान सबको खुश करने के और संतुष्ट करने के संस्कार भरने हैं। स्वयं भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। स्वयं बहुत खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी बांटनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में बहुत खुश रहे, उनके चेहरे पर उनकी आंतरिक खुशी सदा ही झलकती रहती थी। क्यों न हो खुश जिन्हें भगवान मिला, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान करते हैं, जिसको रोज सवेरे सवेरे शक्तियों की माजून खिलाकर सर्व शक्तिवान स्वयं शक्तियां भरते हैं, वो भला क्यों न खुश हो। जिनको सामने स्वर्ग दिखाई दे रहा है, सामने खड़ी हुई बादशाही दिखाई दे रही है, सोने हीरो के अथाह भंडार सामने पड़े हैं, वो भला खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। अपनी प्राप्तियों को याद रखें और सदा खुशी के झूले में झूलते रहें। लेकिन सबको खुश करना ये भी एक बहुत सुंदर कला है। हम दूसरों को अच्छे बोल बोलें, दूसरों को एप्रिशिएट करें, दूसरों को एनकरेज करें। आज से हम ये सीखेंगे, हमें दूसरों को प्रेरक बोल बोलने हैं और एप्रिशिएट करना है। दूसरों की कमी निकालने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन उसके हर कार्य को एप्रिशिएट करके उसे उमंग उत्साह दिलाने वालों की काफी कमी है। हमें वो कमी पूरी करनी है। जिसको हम अप्रिशिएट करेंगे, उसके मन में हमारे लिए सदा सदा के लिए प्यार भर जाएगा, और जिसकी हम ग्लानी करेंगे, जिसके अवगुण देखेंगे, वो हमसे प्रतिपल दूर जाता जाएगा। तो खुश करने की कला जैसे बाबा में थी, खुश करने के साथ सबको आगे बढ़ाने की कला भी थी। किसी में बाबा जरा सा गुण देखते थे, उस गुण को यूज कर लेते थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें देखकर शायद संसार कहे इनमें तो कोई गुण नहीं, ये किसी के काम के नहीं है, जिनको बुद्धि भी बहुत डल थी और कोई योग्यता भी नहीं थी, कोई एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उन्हें भी यूज कर लिया, उनका भी भाग्य बना दिया। दूसरों का भाग्य बनाना ये बहुत बड़ी कला है। जो अपना भाग्य बनाना जानते हैं, वो दूसरों का भी भाग्य बनाना जानते हैं। जिसमें थोड़ी भी कोई कला हो, उसको विकसित करना, उसको एप्रिशिएट करना, उस कला के बारे में उसको जागृति दिलाना, इससे उसकी वो कला बढ़ जाएगी और वो कला कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी या यज्ञ के काम आएगी, प्रभु के इस दिव्य कार्य में उसका उपयोग होगा। तो हम दूसरों को आगे बढ़ाएं और ये अच्छी तरह जान लें और मान लें, जो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं वो स्वयं बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कई लोगों को डर रहता है, ये हमसे आगे बढ़ गए तो हमारा क्या हाल होगा, ये ऐसा करने लगे तो हमें कौन पूछेगा, सब तो इनके हो जाएंगे, हमारी तो कहीं मान्यता ही नहीं रहेगी। ये भय मनुष्य में इनसिक्योर फीलिंग लाता है और मनुष्य को पीछे की ओर ले चलता है। तो आज सारा दिन हम सबको खुश रखेंगे, जो भी संपर्क में आए हमसे खुशी का खजाना ही लेकर जाए और बहुत गहराई से अनुभव करेंगे, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। अपनी शांति से स्वयं मिलेंगे, अंदर जांच करेंगे हमारे अंदर कितनी गहन शांति है, हमारे पास कितनी साइलेंस पावर है। यदि हम अपने चित्त को शांत कर दें तो डीप साइलेंस का गहन अनुभव होगा। आज सारा दिन
इस गुड फीलिंग में रहेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी पीसफुल हूँ। और फिर ऊपर से बाबा की शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। सारा दिन हर घंटे में 2 बार ये अभ्यास चलता रहे। थैंक यू। ओम शांति।